हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी का सेक्शन चालू किया था। इसमें हम लोगों ने आपका समावेशी शिक्षा पढ़ लिया था, पढ़ रहे थे। समावेशी शिक्षा का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। उसके बाद समावेशी शिक्षा में ही आपका एक और टॉपिक आता है जो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत यानी व्यापक मूल्यांकन मतलब हो गया कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, समग्र मूल्यांकन भी बोलते हैं, इसमें देखा जाता है कि बच्चे का मूल्यांकन, मतलब बच्चा कैसे सीख रहा है, उसका मूल्यांकन करके ही पता चलेगा। तो बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा और उसको और कितना सिखाना है, इस सब को देखने के लिए हम लोग एक मूल्यांकन करते हैं। और ये मूल्यांकन पद्धति जो है अभी अभी अपनाई गई है 2010 में, इसका क्या नाम है? सतत यानी सतत मतलब निरंतर, और व्यापक यानी पूरा। व्यापक मतलब बहुत सारे पक्ष होते हैं बच्चों के मूल्यांकन के। आजकल का जो समाज है इतना डाइवर्सिफाइड है कि हम एक ही चीज पर फोकस नहीं रह सकते। सिर्फ पढ़ाकर आप बच्चों को का विकास नहीं कर सकते, इसलिए आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शैक्षिक, खेलकूद वाला सब चीज को, पहलुओं का मूल्यांकन करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जो है उस सारी व्यवस्था करवाता है। तो बच्चे का सिर्फ पढ़ाई में उसको आगे नहीं करना, सभी क्षेत्रों में आगे करना है। इसीलिए यह मूल्यांकन कैसा होगा? व्यापक मूल्यांकन होगा। ठीक है, और देखो और कैसा होगा? तो सतत होगा। सतत कहने का है अर्थ है सतत मतलब निरंतर चलते रहेगा, यानी हर स्टेज पर इसका मूल्यांकन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ काम हुआ फिर मूल्यांकन कर लिए, कहां गड़बड़ी लगी ठीक कर लिए। तो ये होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये जो व्यवस्था है ये क्या है? स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है। पहली बात तो इसका जो ये मूल्यांकन पद्धति है कैसी है? स्कूल आधारित है। आजकल जो है स्कूलों में ये व्यवस्था चालू की गई है, साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उसके सभी पहलुओं का जो अध्ययन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। ये हो गया। साथ साथ देखें ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है बोले ना सतत होगा, एक होगा व्यापक। सतत मतलब कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, लगातार ये लगातार चलते रहेगा। और साथ साथ व्यापक मतलब क्या होगा? सभी पहलुओं को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो सभी पहलुओं को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? सभी पहलुओं को देखा जाएगा। और साथ साथ कैसा होगा? तो सतत होगा। ठीक है, कंटिन्यू होगा। तो ये आपको याद रखना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो सतत मूल्यांकन का अगर बात करें तो देखा होगा सतत निरंतरता, इसमें क्या होगा? देखो 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? 2010 से प्रारंभ हुआ, 7 स्कूलों में हुआ, 1 अप्रैल 2000 सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। इसमें देखो क्या करते हैं, सतत और निरंतरता व्यापक होगी। उसके बाद आवर्धन कैसा होगा? सभी पहलुओं पर होगा। ठीक है, साथ साथ कैसा होगा? डे कैसा होगा? डे मूल्यांकन, शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें आपकी शैक्षिक विधियां यानी पढ़ाई उढ़ाई और अशैक्षिक विधियां जैसे स्पोर्ट्स हो गया और अदर कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब का भी क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें ना दो तरीके से मूल्यांकन करते हैं। देखो आजकल के जो अभी बच्चे जो पढ़ रहे होंगे ना, आप देखिएगा ना, स्कूलों में ऐसे ही मूल्यांकन हो रहा है। एक होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, FA बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट, तो SA बोलते हैं इसको, SA। ठीक है, FA और SA दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, इससे और ये कहता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक, इसमें क्या होगा? तो आपका आवर्तन सतत और निरंतर करते रहेंगे। इसमें सभी योगात्मक में सभी पहलुओं का, याद रखेगा, सभी पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं। इसमें डे बाय डे करते रहते। अरे देखिए सिंपल से बताएं, जो टेस्ट होता ना, थर्ड हाफ ईयरली, क्वार्टरली टेस्ट, ये समझ लो FA समझ लीजिए। और जो जो आपका जो मेन एग्जाम समझ लिए दो होते हैं ना, ये आपका हो जाएगा SA1 SA2, दो एग्जाम होते हैं। देखिए समझ लेते हैं इसको कैसे कैसे होता है। देखिए FA1 FA2, इसमें मूल्यांकन कैसी पद्धति है उसको थोड़ा देखिए। देखो सबसे पहले देखिए किसी वर्ष का पाठ्यक्रम इस तरह से अपनाया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन देखिए, FA1 जो है, FA1 में 10%, उसके बाद FA2 में 10%। ठीक है, FA1 FA2, पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट, 10 और 10 20 हो गया। ठीक है, अगर साल भर को ऐसे बांट लेते पहले ना, इसको समझ लेते, एक साल को ना ऐसे बांट लो, किसमें बांट लो? 5 माह और ये 5 माह। ओके, अब देखो तो सबसे पहले अब हमारे पास कितना है? 100% सिलेबस है।
ठीक, और 100% बच्चा का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला टेस्ट लेंगे जिसका नाम है FA1। इसमें हम लोग कितना लेंगे, 10% नंबर सब जुड़ेंगे ना। उसके बाद फिर क्या लेंगे, FA2। इसमें हम लोग लेंगे 10%। और उसके बाद इसके बाद ये दो हो गए। उसके बाद हम लोग लेंगे हाफ, मतलब पांचवें महीने में आखिरी में SA1, समझ लीजिए कितने का, 30 नंबर का, यानी टोटल कितना हो गया, 50%। ये हो गया मूल्यांकन, ये सतत चल रहा है और लास्ट में क्या हो गया, व्यापक हो गया। ये सतत है यानी क्लास टेस्ट, समझ लीजिए क्लास टेस्ट हो रहे हैं, और ये हाफ ईयरली हो गया, हाफ ईयरली वही वाला है, हाफ ईयरली। तो SA1 क्या हो जाएगा, 30%, यानी टोटल आधा साल बीतने के बाद कितना इसका असेसमेंट हो गया, 5, मतलब 50% हो गया। ठीक है, 10% FA1, 10% FA2 और 30% जो है SA1 हो जाता है। आधा हो गया, ये हो गया सतत, सतत चल रहा था, कैसा है, सतत, और ये कैसा हो गया, व्यापक। व्यापक याद रखिएगा, व्यापक जो है ना, व्यापक, व्यापक में इसमें शिक्षा वाला बस देखेंगे, इसमें व्यापक में आपका खेल भी देखेंगे, कल्चर भी देखेंगे, सब चीज का नंबर मिलता है 30 में लड़का लोग के वो, ठीक है, स्कूलों में आजकल यही चल रहा है। उसे 5 महीने बाद ऐसे फिर से देख लो, 5 महीने बाद FA3, FA4, ये हो गया फिर से 10%, ये भी 10%, और उसके बाद SA2, ये हो जाएगा आपका 30%, ये हो गया 50, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 10%, फिर थर्ड नंबर का, फिर फोर्थ नंबर का 10, और फिर उसके बाद समेटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका 30 नंबर का होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा मूल्यांकन हो गया। अब आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो कंक्लूजन ये है कि FA टोटल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4, ओके। और SA1 कितना होता है, तो SA1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी सतत मूल्यांकन कितने होते हैं, सतत, तो 4 होते हैं, और व्यापक मूल्यांकन कितना होता है, तो व्यापक मूल्यांकन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें ग्रेडिंग पद्धति चलती है, ग्रेडिंग पद्धति से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ग्रेड है ना, A1, A++, B++ मिलता है ना, A++, तो वो जो है स्कूलों में यही चल रहा है आजकल। तो देखो, सतत मूल्यांकन FA1 4 बार और व्यापक मूल्यांकन 2 बार, यानी टोटल कितना असेसमेंट हुआ उसका, तो टोटल कितना हो गया, 6 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने बार होता है, तो 6 बार उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, देखिए इसमें कैसे, 5वां में FA3, उसके बाद FA4, और योगात्मक कितना हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अवधि का अंतिम मूल्यांकन ये वाला है, प्रथम अवधि पहले 5 महीना, और उसके बाद 5 महीने बाद इसको करवा लेंगे। ठीक, एक वर्ष में देखो, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने होंगे, 4, और योगात्मक मूल्यांकन हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, और टोटल मूल्यांकन कितने बार हो जाएगा, तो 6 बार एवेल्यूएशन होता है, यानी चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखें, इसके बाद आगे बढ़ता है, देखो मूल्यांकन कितने स्तरों पर किया जाएगा। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है, एक होता है देखो पाठ, मतलब किस किस एरिया में उसका एवोल्यूशन करेंगे ना, तो पहला है पाठ्यक्रम के विषय में, विषय का, विषय क्या क्या है, किस किस विषय को पढ़ रहा है, पहले आपका क्या हो जाएगा, पुस्तक वाला, शिक्षा वाला, उसका खेल, संगीत, चित्रकला, और तीसरा होगा शारीरिक स्वास्थ्य, यानी 3 क्षेत्रों को पकड़ा जाता है। पहला तो आपका जो पढ़ाई है, पढ़ाई जरूरी है तो पढ़ाई पे कर लेंगे, दूसरा किस पे कर लेंगे, तो संगीत, खेलकूद और चित्रकला पर, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और लास्ट वाला आपका फिजिकल फिटनेस है कि नहीं, है ना, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, ये 3 बेसिस पे आपका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये आपका ये क्षेत्र हो गया, 3 क्षेत्र में मूल्यांकन करेंगे। आजकल के जो मॉडर्न स्कूल आ रहे हैं ना, इसी आधार पर चल रहे हैं। ठीक, साथ साथ देखे तो देखो तो छात्र के मूल्यांकन करने के प्रमुख तत्व क्या है, किन किन आधारों पर और क्यों आपका मूल्यांकन किया जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले आधार रेखा का मूल्यांकन, आप आरंभिक योजना बनाना, देखो कैसे करोगे, समूह शिक्षण और शिक्षण द्वारा अवलोकन, मूल्यांकन करने के अन्य उपकरण का प्रयोग करना, शिक्षण योजना के बदला, 4 रचनात्मक और 2 योगात्मक। प्रमुख तत्व तो क्या है, आधार रेखा बनाना, आधार रखना, बेस लाइन बनाओ पहले, ठीक है, कि कौन सा बच्चा कहाँ पर पहुंचा है, कितना और उसको प्रोग्रेस करना है। तो पहले आप एक एक बच्चे के लिए क्या बनाइए, एक एक प्रोजेक्ट बनाइए, एक बेस लाइन बनाइए कि हाँ किस पॉइंट पर वो है और किस पॉइंट पर उसको कैसे विकास करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो पहले बेस लाइन बनाइए, आधार रेखा का निर्माण करेंगे। आरंभिक योजना, पहले आप प्राइमरी लेवल पर ना आपको क्या योजना बनानी है ताकि उसका क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो सेकंड आप क्या करेंगे, आरंभिक योजना चाहिए आपको, साथ साथ समूह शिक्षण चाहिए, कक्षा कक्ष में शिक्षण चाहिए, यानी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए,
बच्चे का क्या होगा, सामुदायिक विकास होना चाहिए, तो ये वाला प्रोग्राम आप अपनाओगे। शिक्षण दर अवलोकन, शिक्षण जगह क्या करेगा, बार बार देखेगा कि बच्चा कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, ये सब देखेंगे, शिक्षण द्वारा अवलोकन किया जाएगा। साथ साथ देखेंगे मूल्यांकन के अन्य उपकरण का प्रयोग करेंगे। मूल्यांकन की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है आपका क्या करे मूल्यांकन के लिए, क्या कर सकता है वो, तो मूल्यांकन के लिए पहली बात तो सीधे से ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, या फिर कहीं चर्चा पर चर्चा करवा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मूल्यांकन के बहुत सारे उपकरण का प्रयोग करता है। शिक्षण की योजना में बदलाव, शिक्षक का मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है बच्चों को समझने में, अधिगम में दिक्कत हो रही है, तो शिक्षक जो है अपने जो योजना है, जो आपकी प्लानिंग है, जिस तरह से पढ़ाता है उसके रवैये को बदल देगा, है ना, बदलना देगा नहीं, बदलना चाहिए, ठीक है, तो बदलना चाहिए। शिक्षक क्या करेगा अपनी योजना में, उसको अलग अलग विधियों से समझाएगा, प्रैक्टिकल विधि से समझाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आगमन से नहीं समझ में आ रहा तो निगमन से समझाएगा, नहीं समझ आया तो प्रोजेक्ट विधि से समझाएगा, जैसे भी होगा शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा समझाने के लिए। चार रत्नात्मक होते हैं, पहले बताए, और दो क्या होते हैं, योगात्मक मूल्यांकन करेगा। ये बेसिक तत्व है किसके लिए, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के। नेक्स्ट देखें तो इसके बाद देखें मूल्यांकन प्रमुख उपकरण क्या हो सकते हैं, मूल्यांकन करने के लिए आप क्या क्या चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। तो पहली बात क्या करोगे, शिक्षण के दौरान अवलोकन, शिक्षण जब आप देंगे बच्चों को शिक्षा देंगे तभी आप क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, ठीक है। शिक्षण के दौरान क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, यानी जब आप पढ़ाएंगे तभी आप पूछ के ऐसे ही करेंगे, रोज डेली पूछ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना उसने पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तो शिक्षण के दौरान ही आप इसका क्या करेंगे, परीक्षण करते जाएंगे, पता चल भी जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि कहाँ पर किसका डाउट आ रहा है, कितना प्रॉब्लम। साथ साथ शिक्षण योजना बुक, एक शिक्षण योजना बुक बनाएंगे कि शिक्षण में हमको क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो एक आप डेली डायरी जो है मेंटेन करेंगे, मेंटेन करना भी पड़ता है। शिक्षण योजना बुक, बच्चों को दैनिक डायरी देंगे, ठीक है, बच्चों के लिए दैनिक डायरी बनाएंगे, या उनका भी होता है कि वो लोग देख रहे हैं एक डायरी होता है जिसमें भरते हैं कैसा उनका रिपोर्ट रहा, तो बच्चों की दैनिक डायरी होगा, चेक शीट होगा, वर्कशीट होगा उनके जो होंगे, वर्कशीट बनाएंगे उसमें चेक करेंगे कितना हमने पढ़ाया, क्या हुआ, कैसे चीक किया, कितना बचा हुआ है, क्या करवाना है, ठीक है, कितना प्रोग्रेस हुआ, तो ये सब आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। समूह में कार्य करेंगे, पेपर पेंसिल पर कार्य करवाएंगे, साथ साथ पीयर मूल्यांकन करेंगे। अब सुनो पीयर मूल्यांकन क्या होता है, पीयर मूल्यांकन जब एक बच्चा दूसरे बच्चों का मूल्यांकन करता है उसको बोलते हैं पीयर मूल्यांकन, ठीक है। ये भी करवाना जरूरी होता है कक्षा में, अगर आपको मूल्यांकन करवाना है तो कैसे करवाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसी से पूछेंगे बताओ इसमें क्या है, क्या मिस्टेक हो गया, कैसे हो गया, तो बच्चा जब ना सेम अपने लेवल पर ही मूल्यांकन करने लगे उसको बोलते हैं पीयर मूल्यांकन, ठीक है। तो पीयर मूल्यांकन करवाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपका उपकरण के रूप में काम आती है मूल्यांकन में, डायरी बनाना है, साथ साथ प्रोजेक्ट बनाना है, असेसमेंट बनाना है, ठीक है, डेली शीट मेंटेन करनी है, उसका टीचर का होगा एक डायरी, एक स्टूडेंट के लिए डायरी होगी, एक शिक्षण क्या क्या पढ़ाना है उसका भी डायरी होगा, और बच्चे कैसे कितना सीखे कितना वीक रहे उसकी भी डायरी होगी। तो ये जो है आपका डायरी बना के, शीट बना के, वर्कबुक बना के, अवलोकन करके, परीक्षण लेके, और आपका लास्ट आपका पीयर मूल्यांकन करके ये आपका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक। लास्ट में देखिए मूल्यांकन करने के बाद रिजल्ट शो होता है, और रिजल्ट कैसे शो होता है, इसमें ग्रेडिंग पद्धति होती है, इसमें परसेंटेज पद्धति नहीं होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए इस वाले जो CCE पद्धति है, कौन सी पद्धति, CCE में ग्रेडिंग पद्धति चलती है, ग्रेड चलता है, ग्रेड सिस्टम चलता है, इसमें आपका परसेंटेज नहीं चलता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग देखो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर आओगे ई तक जाता है, ऐसे याद रखें, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 या अच्छा D1 का D D1 D2 नहीं होता, D बस होता, सॉरी। उसके बाद देखो A++, A1 क्या हो जाएगा A++, A2 क्या हो जाएगा A+, B1 क्या होगा B++, B2 क्या हो जाएगा B+, तो A++ A+, ठीक है। उसके बाद B++ B+, C++ D में कुछ नहीं होता, क्योंकि D वाला जो बच्चा है ले दे के पास हुआ रहता है, तो जो जो ले दे के पास हुआ है ना, ये समझ लीजिए कौन से हो जाएंगे, ये आपका D वाले होंगे, D, ठीक है, D फॉर पास होने वाले, ठीक। अच्छा E1 क्या हो जाएगा E++ और E2, तो ये दोनों जो लोग हैं ये फेल वाले समझ लीजिए अपने परसेंटेज में इसको मैं लिखता नहीं हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से उतारते बने। देखो समझो कैसे बनाना, पहले आप 100 से ले लेना, ठीक है, 100 से, तो देखो कहाँ से स्टार्ट करें, 20 से करें, 20 से नहीं, एक सिस्टम चलता है यहाँ तक का, ठीक। देखिए 41 से 50, उसके बाद 50 हो गया, 51 से 60, फिर क्या हो जाएगा 61 से 70, फिर 71 से 80,
उसके बाद 81 से 90, 91 से 100 ऐसे कर लेना। तो याद रखेगा ये 50-50-50 कर लो ना, 50-50। तो 50-50 करोगे तो 50 ऊपर बढ़ना। तो 41 से 50 पहले आ गए, उसके बाद 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 80 से 81, 91 से 90, 91 से 100। और ये क्या हो जाएगा, 91 से 100 ये हो जाएगा A1 या A++ भी बोलते हैं। उसके बाद 81 से 90 A2 आपका A+। उसके बाद आपका 71 से 80 B1 B++। और आपका क्या हो गया, 61 से 70 B2 B++, 51 से 60 C1 C++, 41 से 50 C2 C+, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, याद रखिएगा, 33 यानी ले दे के पास कौन हुआ, हमारा डी भाई, ठीक है। डी जो है ले दे के पास हुआ, तो 33 से 40 ये अलग है, और 20 से 32 E1 या E++, और जो एकदम लास्ट वाले हैं 20 से कम ये कौन हो जाएंगे, E2 E++। एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है परसेंट कितना आया, इसमें ग्रेडिंग पद्धति चलती। तो ये हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया, इतना छूट गया था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।